एंड बहुत ज्यादा ठंड है यार, दिमाग खराब हो गया है। तो ये जो व्हाइट है ये क्लाउड्स है। साले इधर कहाँ पैर कहाँ रखूँ मैं? हाथ दे। नहीं नहीं हाथ वाथ नहीं दे पाऊंगा मैं। पैर रख यहाँ पे, एक पैर रख यहाँ पे, ये इसको इसको पकड़, इसको पकड़, ऐसे पकड़। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इट्स 11:58 और हम लोग अभी अभी निकलने वाले हैं वनाजंगी के लिए, जहाँ से कि हम लोग सनराइज देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट डे वाले सनराइज इतना ज्यादा पसंद आया था कि अब हम लोग सनराइज के ऊपर एकदम पागल हो चुके हैं। तो जहाँ भी अच्छा सनराइज दिखता है हम वहाँ जाने की कोशिश करते रहते हैं। आज हम लोग वनाजंगी जाने वाले हैं। वहाँ पे जो सनराइज होता है वो ऐसा रहता है कि आप क्लाउड्स के ऊपर होते हो और फिर सनराइज होता है, मतलब आपको नीचे क्लाउड्स दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग अभी 12 बजे निकल रहे हैं, हमारा ईता वैली रिजॉर्ट है, यहाँ से 2 घंटे 2.5 आवर्स के अराउंड वहाँ लगने वाला है। एंड वहाँ पे ऐसा है कि कार जो है वो सबसे ऊपर नहीं जाता है, तो एक जगह पे पार्क करना होता है, वहाँ से फिर आपको ट्रैक करके ऊपर जाना है। तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, सो डैट हम सनराइज से बहुत पहले ही पहुँच जाए। और हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे हमारे होटल के पास में लॉक्स वगैरह मिल रहे थे, वुडन लॉक्स, तो हम लोग वो ले लिए हैं, खरीद लिए हैं। हमें 180 रुपीज़ का पड़ा था एक बंडल पूरा, तो वो ले लिए हम। वहाँ पे बॉनफायर करने वाले हैं ऊपर और सनराइज का मजा उठाने वाले हैं। भले आज रात भर सो नहीं पाए लेकिन बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। ऑलराइट, सो अभी 3:28 हो रहा है एंड हम लोग जस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे। एंड यहाँ पे जो एक्चुअली ऐसा है कि एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ तक ही कार जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम लोगों को ट्रैक करके जाना होगा। एंड अभी चेहरे पे इतना ज़्यादा लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ लाइट है नहीं, हम लोग कार की लाइट में शूट कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ठंड है यार, दिमाग ख़राब हो गया है। ऊपर चल के देखते हैं। सामने कितना अंधेरा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत डरावना लग रहा है यार। ऑलराइट, सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू द टॉप एंड यहाँ बहुत हवा चल रहा था, मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे भी रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ ऊपर आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम लोग तो बीच में होप भी छोड़ चुके थे कि अब और इससे ऊपर नहीं जाते, यहाँ तक ही रहते हैं, लेकिन फिर फाइनली वी डिड इट राइट। सो अभी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा ही है, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट आता है तो फिर हम लोग बात करते हैं। ऑलराइट, तो ऊपर तो हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन मैं ऊपर जाते वो जो हमारा सफ़र था नीचे से ऊपर जाने का, उसको हिंदी वाला सफ़र भी मान सकते हैं और इंग्लिश वाला सफ़र भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों ही था, तो वहाँ तक मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं, और दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था वो चढ़ना, तो कैमरा ऑन करके चढ़ना बहुत मुश्किल था। ऊपर से हमारे हाथ में वुडन लॉक्स भी थे, तो इसलिए मैं कैमरा वैमरा रख दिया था और अपनी जान बचाकर ऊपर चढ़ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ ऊपर चढ़ना ही डिफिकल्ट नहीं था, और भी एक चीज़ जो हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो डैट अगर आप कभी जा रहे हो तो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, जो कि थी रास्ते की। तो हमें रास्ता नहीं ठीक से पता चल रहा था कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है हिल टॉप तक। एक्चुअली क्या है कि ये जगह अभी कुछ महीनों पहले ही डिस्कवर की गई है, तो ठीक से मैप्स पे रास्ता अवेलेबल नहीं है, मतलब सारे हिल टॉप को मार्क कर दिया गया है आसपास के, वनाजंगी हिल पॉइंट, वनाजंगी सनराइज पॉइंट, वनाजंगी क्लाउड अट्रैक्शन पॉइंट, बट उस लोकेशन पे जाना कैसे है वो है ही नहीं। कि हम लोग भी 3 अलग अलग लोगों से रास्ता पूछे और वो 3 अलग अलग लोगों ने हमें अलग अलग रास्ता बताया, और वो 3 अलग अलग रास्ते गलत थे, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। एक मोमेंट पे तो हमें ऐसा लग रहा था कि सनराइज हो जाएगा और हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट में हमें एक ग्रुप दिखा जो कि जाता हुआ उस रास्ते, तो हम लोगों ने वो रास्ता फॉलो किया। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो हमारे जैसा वुडन लॉक्स वगैरह लेकर जाने का, तो प्लान ड्रॉप कर दो क्योंकि बहुत मुश्किल है ऊपर ले जाना। क्या होता है कि एक तो रास्ता प्रॉपर है नहीं, वो मैं जैसे आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है, तो रास्ता ठीक से है नहीं, और ऐसा है कि एक पहाड़ है, अब उसमें आपको खुद से रास्ता बनाना है कि आप किधर से चढ़ के जा सकते हो, तो वो एक चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें आप वुडन लॉक्स, एक तो भारी रहता है वो, तो उसे लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने एक पॉइंट पर बेस कैंप टाइप का, उसको बोल सकते हैं, वहां पर हमने वुडन लॉक्स रख दिया था, हमने गिव अप कर दिया था कि और इससे ऊपर हम लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उसके ऊपर और भी ज्यादा कठिन था रास्ता। और एक तो बहुत बात कर लिया मैं, अब आप लोग थोड़ा सा बी रोल देखो।
तो हम लोग यहाँ बहुत टाइम से बैठे हुए थे और अभी हो रहा है 6:30 एंड व्यू अब जाके बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो वाइट है ये क्लाउड्स है और होपफुली आप लोगों को टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा। एंड अभी का ये जो व्यू है वो तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो यहाँ पे एक्चुअली आने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुआ, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ऊपर तो वुलन क्लोथ्स तो ऑब्वियसली बात है लेकर ही आओगे। अगर आप ग्लव्स वगैरह कैरी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है एंड कोशिश करो कि आपके कान भी कवर्ड रहें, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा यहाँ आते वक्त। एंड और एक चीज़ है कि यहाँ का जो चढ़ने का है वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगा हम लोगों को, मतलब आप एक अच्छा जूता पहन के आना जो नॉन स्लिपरी हो, नहीं तो अगर ऐसा थोड़ा सा भी स्लिपरी जूता हो तो मुश्किल हो सकती है। अभी और कुछ देर हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बट ये जो इतना ऊपर हम लोग आए हैं ये टोटली वर्थ है। मतलब ये पता नहीं कैमरे में उतना बढ़िया दिख रहा होगा कि नहीं, अगर आप टीवी पे देख सकते हो ये व्लॉग तो प्लीज़ देखना, क्योंकि मैं 4K में अपलोड करने वाला हूँ एंड ये बहुत ही बेहतरीन दिखेगा 4K में। अगर लैपटॉप पे भी देख रहे हो तो 4K पे ट्राई करो देखने की, या फिर हाईएस्ट सेटिंग पे ट्राई करो देखने की, बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी हमें फाइनली सन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं इसमें दिखेगा या नहीं, वहाँ से छोटू सा निकल रहा है। हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि इतने ठंड में हम यहाँ ऊपर तक आए हैं तो अब जब तक सूरज की रोशनी से हम गर्म नहीं हो जाते तब तक हम नीचे नहीं जाने वाले। कुछ नहीं होगा, तेरे को लग रहा है ये बहुत स्टीप है लेकिन नहीं है। सर सर क्यों हो रहा है बाबा? अरे किधर से आए थे यार हम लोग? रुक देखता हूँ, इधर से आए थे। बहुत डर लग रहा है मेरे को, चढ़ते वक्त इससे कम डर लगा था बट उतरते वक्त अब बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। होलियर देन दाओ, होलियर देन दाओ। अरे किधर से जाऊं भाई? हां ठीक है, इसी तरफ मैं जिस तरफ से आया उस तरफ से जा। साले इधर कहां पैर कहां रखूं मैं? हाथ दे। नहीं नहीं हाथ वाथ नहीं दे पाऊंगा मैं। पैर रख यहां पे, एक पैर रख यहां पे, ये इसको पकड़ ऐसे पकड़। आयो इस कुर्सी देखती है ऐसी वाला वाला फिल्म की वाले की समझ। अबे उनके साथ साथ जाना चाहिए था ना यार। अरे वो साला इतना जल्दी जल्दी गया देखते मैं करो। चलो चलो फाइनली हमारा रफ पैच खत्म हो गया है, अब चीज़ें जरा स्मूथ हैं सो हम लोग आराम से जा सकते हैं नीचे। अब बहुत स्मूथ है इसके बाद, है ना? हाँ वैसा नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा इजीयर है। वो देख सकता नहीं क्या? ये देख क्या? तो ले कैसा बना था। अबे सही में यार इधर से चढ़ गया है। और ये कैसा है? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, ये मैंने कर दिखाया। कर हर मैदान फतेह भाई, मजा आ गया लेकिन, है ना भाई? अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग सुबह ऐसे मतलब सोचते कि यार नहीं जाना है अब छोड़ देते हैं तो इतना मजा नहीं आता, है ना? वर्थ था है कि नहीं? बिल्कुल भाई, मजा आ गया यार, खतरा था यार। हमारा प्लान था बॉनफायर करने का ऊपर, लेकिन ये इतने दूर चलते चलते वो लकड़ी उठाकर हमारा हालत खराब हो गया था, तो हम लोग बहुत दूर आया। हाँ बहुत दूर तक लेकर आए, यहाँ पे कहीं छोड़ा था ना हमने। हाँ राइट, जस्ट वो जो स्टीप था ना बहुत ज़्यादा वाला, उसके जस्ट पहले हमने हटा दिया था, है ना, लकड़ी को? हाँ। क्योंकि वो हो नहीं पाता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लड़की लेके आए थे ना, लकड़ी लेके आए। पंडा क्या बोल रहा, हम अकेले बंदे थे जो लड़की लेकर आए थे, लकड़ी लेकर आए थे। अभी और बहुत दूर है ना भाई, 1-2 किलोमीटर है ना एटलीस्ट। 1 किलोमीटर तो डेफिनेटली है। हमें गूगल मैप्स में ये एक तो मैं पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि गूगल मैप्स पे रिलाई नहीं करने का, इधर गूगल मैप्स काम नहीं करता ढंग से बिल्कुल भी, कुछ का कहीं कुछ बताता है। और ये अंदर पहाड़ के अंदर ट्रैक वाला रास्ता ढूंढना तो और भी डिफिकल्ट। हाँ करेक्ट, हमें तो एक मोमेंट पर लग रहा था कि अब नहीं मिलेगा, है ना, मेरे रास्ता नहीं मिलेगा, जैसे मतलब वी जस्ट गॉट लकी। हाँ सीरियसली तो मिल गया। वो लड़के जो स्कूटी में थे उनके लिए मेरे को अभी भी दुख होता है कि अगर वो उनको नहीं मिला होगा, ये बेचारे छोटे बच्चे थे, 11-12 के होंगे।
और इतने सारे लोग गलत रास्ता बताए ना। हाँ यार सच्ची बे, सब लोग उल्टा पुल्टा रास्ता, कभी इधर कभी उधर। तो हम लोग जब अभी क्लाउड्स के ऊपर से जब हम नीचे आए तो मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था एंड बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं या मैं कुछ रिकॉर्ड करूं। मैं सीधा गाड़ी में बैठा, पानी वानी पिया, हम लोग थोड़ा खाए एंड मैं सो गया गाड़ी में बिल्कुल भी। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैवल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। शेयर कर दीजिए यार दोस्तों के साथ, पैसे तो लग नहीं रहे हैं तो फिर दबा के शेयर कीजिए, कह ही जाता है। और शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए एडियोस। झंडा दिख रहा है उधर खड़े थे, उधर से वहाँ पर झंडा दिख रहा है ना, वही वाला झंडा वहाँ पर भी था। अबे वही वाला झंडा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही वाला झंडा था। नहीं वही वो जगह है। हाँ मतलब, हाँ मतलब वही करेक्ट। बहुत बड़ा काम किया आज हम लोग यार।